हेलो दोस्तों, आपका अनोन फैक्ट में स्वागत है। दुनिया में इंसानों की तरह जानवरों को भी सरकारी नौकरियों पर रखा गया है। इन जानवरों में घोड़ा, कुत्ता और हाथी प्रमुख हैं। कुत्ते और घोड़े तो आपने सेना या पुलिस के पास देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने किसी बंदर या लंगूर को किसी सरकारी नौकरी करते हुए देखा है या सुना है? कारण, उनके चंचल स्वभाव के चलते उनसे कोई काम करवा पाना असंभव सा है। पर आज हम आपको एक ऐसे लंगूर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने 9 साल तक सफलतापूर्वक रेलवे की सरकारी नौकरी की और अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाया। यह बंदर जैक द बबून के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1880 में जेम्स एडवर्ड नाम का एक व्यक्ति केप टाउन पोर्ट एलिजाबेथ रेलवे स्टेशन के लिए एज अ सिग्नलमैन का काम किया करता था, परंतु वह एक पैर से अपाहिज था, जिसके कारण अपने रोजमर्रा के काम को करने में जेम्स को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उसके पास बंदर की बबून प्रजाति का एक पालतू बंदर था, इसका नाम था जैक। एक रोज जेम्स एडविन एक दुर्घटना का शिकार हो गया। इस एक्सीडेंट में जेम्स ने अपना दूसरा पैर भी गंवा दिया। इसके बाद जेम्स को रोज घर से स्टेशन तक जाना एक कष्टदायी अनुभव बन गया। फिर जेम्स ने अपने बंदर जैक को ट्रेनिंग देना शुरू किया और जल्द ही जैक जेम्स के रोजमर्रा के काम में हाथ उठाने लगा। जेम्स को एक ट्रॉली में बैठाकर खींचकर स्टेशन तक लाना, फर्श पर पोछा मारना, घर की गंदगी को साफ करना और मार्केट से सामान लाना, ये सारे काम अब जैक करने लगा। धीरे धीरे जेम्स ने जैक को इतना ट्रेंड कर दिया कि वह स्टेशन के काम भी करने लगा। आगे के लगातार 9 साल तक इस रेलवे स्टेशन के सिग्नल की जिम्मेदारी एक बंदर ने ले ली। रेलवे सर्विस कंपनी ने जैक द बबून को आधिकारिक तौर पर नौकरी पर रखा और उस बंदर की तनख्वाह तय की गई 20 सेंट्स पर डे। अपने 9 साल के कार्यकाल में जैक नामक इस बंदर ने एक बार भी कोई गलती नहीं की, हमेशा अपना काम बिल्कुल सही समय पर किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट पर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।